भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया से अपहरण की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साथ तीन बहनों का अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद लड़कियों के पिता ने नवगछिया पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और एक लड़की को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि अपहरित दो बहनों का अब तक पता लगाने और उसकी बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना 16 जून को गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालिंदी नगर की है। गायब लड़कियों की मां पूनम देवी ने अपने गांव के ही रजनीकांत नाम के युवक पर अपनी तीन बेटियों के अपहरण का आरोप लगाते हुए गोपालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित मां ने बताया कि गांव के ही रजनीकांत कुमार ने उनकी बेटी को शहर में नौकरी दिलाने का वादा किया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी, दूसरी बेटी प्रिया कुमारी और सबसे छोटी बेटी दीक्षा कुमारी सभी उसके धोखे में आ गए। वहीं पूरे मामले को लेकर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पुलिस इस घटना के प्रति काफी गंभीर है और दोनों लापता बहनों का पता लगाने के प्रयास में जुट गई है। उन्होंने कहा कि केस के अनुसंधानकर्ता को बदल दिया गया है, साथ ही थाना अध्यक्ष को 7 दिनों के अंदर दोनों लापता बहनों की सकुशल बरामदगी का सख्त निर्देश दिया गया है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, मेरा घर कालिंदी नगर है, थाना गोपालपुर। घटना ये 15 तारीख का है, जिसके आलोक में मैंने घटना ये है अपहरण का, जिसमें मेरी तीन भतीजी का अपहरण हो गया था 15 के रात 3 बजे, यानी कि सवेरे 16 को। कौन 15 6, एक महीना से ऊपर हो चुका है। SP साहब को मैंने 3 बार आवेदन दिया, उसके बाद भी अभी तक ना किसी का गिरफ्तारी हुआ है ना कोई बरामद हुआ है। घटना ये 15 तारीख को हुआ, उसके बाद हम सब ने खोजबीन चालू किया, जिसके आलोक में जिसमें मैंने अपनी बच्ची को पटना स्टेशन पे देखा गया, परिजन के माध्यम से पटना स्टेशन में मिला, तो एक को हम वहाँ से लाए और दो जो है भीड़ का मौका देख के लड़का लेके उसको चला गया। लड़का का नाम है रजनीकांत, तो वो भी कालिंदी नगर का ही है। हाँ, आज हमारे कार्यालय में आए थे, इस केस को हम जान भी रहे पहले से नहीं, तो एक बच्ची बरामद हुई है। हम लोग दो पे हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर भी रहे, जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे, हम लोग काम उस पर कर रहे हैं। बहुत कुछ क्लू हम लोग को मिला भी है, थोड़ा और हम लोग कन्फर्म कर पुख्ता कर लेते हैं, बहुत जल्द बरामद भी कर लेंगे। इस कांड का हमने IU को चेंज भी कर दिया है, जो थाना प्रभारी है हमने उनको कहा कि आप कांड के IU बनेंगे, एक और गंभीरता से कांड को देखें। और आज उन्होंने फ़ोन से बताया भी है, आज एक रेट में मिले भी थे, वो कह दिया कि हम 7 दिन हमें हर हाल में दोनों बच्चे बरामद चाहिए। क्या कुछ अभी तक लड़की के बारे में? अभी हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, अभी कुछ शेयर नहीं करेंगे, लड़के बरामद कर लेते हैं, बहुत जल्द हम लोग इसको बरामद कर लेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित मसदी गांव के समीप NH 80 पर शनिवार की सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान मुंगेर जिले के दौलतपुर गांव निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है, वहीं घायल की पहचान राहुल कुमार के रूप में की गई है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मुंगेर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद वह सड़क किनारे एक खंभे से जा टकराया। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने मोटरसाइकिल चालक को रौंद दिया, जहां घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच में जुट गई है। उसका ट्रैक जो आ रहा था, उसके बाद जो है ना उस पर जो है चढ़ाया गया और ट्रैक चला गया इसके बाइक और जो इसमें हुआ। हाँ, ट्रैक चढ़ा के चला गया। कहाँ का लोग पता चल पा रहा है? पता तो रहा है कि मुंगेर का रहने वाला है और कंफर्म मालूम रहे हैं कि मुंगेर को बता रहा है मुंगेर का रहने वाला। एक की मौत हो गई है? हाँ, एक की मौत हो गई। हाँ, मौत हो गया। एक घायल है, एक घायल है, उसका भी लास्ट की स्थिति है।
भागलपुर पुलिस अब किसी भी आपराधिक मामलों में एफआईआर करने या फिर एफआईआर के बाद अनुसंधान में लापरवाही नहीं कर सकती है। साथ ही अपराध के बाद घटनास्थल पर जाकर सिर्फ खानापूर्ति नहीं कर सकती है। इसको लेकर शनिवार को भागलपुर के ट्रिपल आईटी एडमिन बिल्डिंग में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी आनंद कुमार, ट्रिपल आईटी भागलपुर के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे एवं रजिस्ट्रार इंचार्ज डॉक्टर गौरव कुमार मौजूद थे। यह प्रेस वार्ता एमओयू सीलिंग सिरोमनी बिटवीन ट्रिपल आईटी भागलपुर एंड भागलपुर पुलिस के बीच टेक्नोलॉजी क्राइम एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग विषय को लेकर आयोजित की गई। एसएसपी ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग किसी भी थाने क्षेत्र में हुए अपराध के बाद एफआईआर व अनुसंधान की जानकारी लोग मोबाइल पर भी आसानी से ले सकते हैं। खासतौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस एमओयू के तहत अब पुलिस व ट्रिपल आईटी एक साथ मिलकर केस के स्थिति को बताने के लिए यह ऐप तैयार कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई में काफी मदद मिलेगी। ऐप के जरिए आप डाटा के हिसाब से सारे केस को अब इस साइट पर देख सकते हैं। वहीं बरिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है और यहाँ की पुलिस भी स्मार्ट हो, इसको लेकर ट्रिपल आईटी ने यह पहल की है। उन्होंने बताया कि इस ऐप को धनबाद के प्रतीक चंद्रा और लखीसराय के प्रेम कुमार ने तैयार किया है। यह ऐप ट्रिपल आईटी के डाटा साइंस हेड संदीप लाल के नेतृत्व में दोनों छात्रों ने तैयार किया है। देखिए शुरुआत है और अभी ट्रिपल आईटी भागलपुर और भागलपुर पुलिस के बीच में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें कि भागलपुर पुलिस और ट्रिपल आईटी भागलपुर पुलिस की जो कार्यशैली है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कैसे तकनीकी का समावेश किया जाए, जिससे कि पुलिस के जो पदाधिकारी गण है, थाना है, उसकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो और हम लोगों को जो नए नए टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिटिक्स है, उसकी मदद से क्राइम के हॉट स्पॉट्स को प्रेडिक्ट करना, मतलब क्राइम कहाँ हो सकता है इस तरीके का प्रेडिक्शन करना, और इसके साथ ही साथ जितने सारे केसेस पेंडिंग हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं राइट फ्रॉम सर्किल इंस्पेक्टर टू SP SSP वो सभी केसेस को फिल्टर करके मॉनिटर कर सकते हैं कि किस केस में क्या चल रहा है, कौन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। इससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है ट्रिपल आईटी भागलपुर के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो MOU है उसमें बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जाना है। भागलपुर में कोसी नदी उफान पर है। जिले के नौगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड स्थित सिंहकुंड में तेजी से कटाव हो रहा है। नदी अपने किनारों को काटने पर आमदा है। लगातार कृषि योग्य भूमि और सड़कें कटकर नदी में विलीन हो रही है। वहीं दर्जनों घर कोसी नदी के मुहाने पर हैं, जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। तेजी से हो रहे कटाव के डर से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। ग्रामीण संतोष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन ने इलाके को बचाने के लिए कोई कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया है, जिससे कोसी नदी की तेज धार लगातार किनारों को काट रही है। उन्होंने कहा कि रात में कटाव काफी तेज हो जाता है, जिसके डर से सारे ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। संतोष ने बताया कि अब तक 30 बीघे से अधिक खेती योग्य जमीन कटकर कोसी नदी में विलीन हो चुकी है। ऐसी ही स्थिति नवगछिया के जहांगीरपुर बैसी कहारपुर मरचा गांव में भी देखी जा सकती है। इन गांव के सैकड़ों घर कोसी नदी में समा गए हैं। हालांकि कई इलाकों में कटावरोधी कार्य भी किए गए हैं, लेकिन वह कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित होता दिख रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद कटाव तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जलस्तर बढ़ने से कटाव का खतरा भी और तेज हो जाएगा। कटाव का स्थिति क्या, देखिए यहाँ का जो लोग है, हम लोग जो घर में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं मतलब घर ना गिर जाए, ये भी डर रहता है। देखते हैं कितना किनारा है, एकदम बिल्कुल मतलब 10 से 15 फीट के अंदर घर है। तो और कभी कभी कटाव का इतना बड़ा मतलब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि घर समेत लेकर अंदर चला जाएगा। तो डर में तो रहते हैं, बहुत ज्यादा डर में रहते हैं हम लोग। कटाव का स्थिति देखिए यहाँ बहुत ही भयावह है। लगातार जो है किसान का उपजाऊ जमीन कट के नदी में जा रहा है, जो कि भुखमरी का स्थिति अब धीरे धीरे उत्पन्न होने वाला है। और लगातार जो है गरीब मजदूर का घर कट के नदी में समा जा रहा है। अभी तक प्रशासनिक तौर पे कोई मदद नहीं मिल पा रहा है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे देखने के लिए आता है। और आज तक हम जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे, कभी जो है कि स्वच्छ रूप से यहाँ कार्य नहीं हुआ है। कटारोधी कार्य एक बार हुआ भी था तो उसमें बहुत बड़ा घपलाबाजी हुआ जो नदी।
भागलपुर नाथनगर रेलवे स्टेशन के एक नंबर प्लेटफार्म पर मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक नंबर प्लेटफार्म को युवक पार कर रहा था, इसी दौरान मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन आ गई। युवक के कान में हेडफोन लगा हुआ था, जिसके कारण उसे ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसके कारण वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल सबकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के 18वें दिन डीएम के निर्देश पर इस्माइलपुर एमओ कृष्णानंद आनंद ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ अजगैवीनाथ घाट, नमामि गंगे घाट, घाट रोड, स्टेशन रोड एवं कृष्णगढ़ मोड़ सहित अन्य स्थानों पर भोजनालय के दुकानों और कामर की दुकानों की जांच करते हुए मूल्य तालिका रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एमओ ने भोजनालय संचालक और चाय दुकानदारों को घरेलू सिलेंडर के उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। एमओ ने बताया कि कामर और भोजनालय की दुकान में कामरियों से मूल्य से ज़्यादा पैसे वसूलने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई है। एमओ ने सभी दुकानदारों को रेट चार्ट लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसको दंडित किया जाएगा। भागलपुर पुलिस ने शनिवार की सुबह बरारी पुल घाट के तीसरे नंबर पाया के पास से एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से लापता था। मृतक व्यक्ति की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र नयाचक क्वेरी टोला निवासी 54 वर्षीय दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक दिनेश बाईपास टोल प्लाजा के समीप चाय की रेहड़ी लगाते थे। 19 जुलाई की सुबह वह अपने दुकान पर गए, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार इसी बीच दिनेश ने अपने बड़े बेटे देवराज को फोन कर दुकान पर बुलाया था, लेकिन दिनेश अपने दुकान से गायब था, जिसके बाद काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। थक हार कर परिजन दूसरे दिन लोदीपुर थाना पहुंचे और दिनेश के लापता होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं आज सुबह बरारी पुल घाट के पास शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त दिनेश प्रसाद के रूप में की। फिलहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्या और आत्महत्या के हर एक पहलू पर जांच कर रही है। सर बस भैया लोग है ना चारों तरफ खोजे, SBI कोठी गए, थाना सब नहीं लिया, तो खोजते खोजते बस बौक रहे थे, तो कोई कोई बोला तो उस तरह से जाते हुए बस जब गए अंदर खोजने के लिए तो मिला वहाँ बॉडी। क्या लगता है? क्या लगता है सर, मतलब कुछ नहीं, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं था। मतलब आपके पिताजी अचानक से दुकान जो रोज जाते हैं हाँ। और फिर वहाँ से लापता हो जाते हैं हाँ। क्या लग रहा है, कोई शक? नहीं सर, शक तो किसी पे नहीं है हाँ। बस घर का ही टेंशन सन था। परेशान थे? परेशान तो ऐसा लग नहीं रहे थे सर, घर से खाना खा के गए थे हाँ। दुकान पे भी खाना वाना खाए ही थे। भागलपुर अकबरनगर पंचायत के दियरा क्षेत्र के लोग NH 80 से कस्माबाद दियरा क्षेत्र तक जाने वाली सड़क पर सड़क और पुल निर्माण की मांग लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अपने क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए विधानसभा में मांग उठाई और इसे मंजूरी दे दी गई। शनिवार को अकबरनगर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अजीत कुमार यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया। उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाने के लिए विधायक को धन्यवाद दिया और सड़क व पुल निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया। विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने कहा कि सड़क व पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा और कस्माबाद दियरा क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अकबरनगर में बहुत दिन से मांग है और जायज मांग है, पिछले की सभी किसान की खेती जो है दियारा क्षेत्र में होता है। पिछले हमने शुरू में भी प्रस्ताव दिया था विधानसभा में, क्वेश्चन भी किया है कि अकबरनगर में NH 80 से कस्माबाद तक एक सड़क का निर्माण किया जाए और बीच में गंगा पर एक पुल बनाया जाए और इंजीनियर से उसको हम लोग माफी करवा करके और UPR तैयार करके हम लोग वहाँ पर विभाग को भेज रहे हैं।
और वहाँ पर लगभग करके जल्दी करवा देंगे उसका उसको हमारे ये उद्देश्य है जनता के लिए बहुत जरूरी है। मणिपुर हिंसा को लेकर शनिवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के सभी जिलों में गृह मंत्री अमित शाह का जाप कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मणिपुर में हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीते 3 महीने से हो रही हिंसा पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी है। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पे पुतला दहन का प्रोग्राम आज रखा गया था। मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार एवं दो जाति पे आपस में लड़ाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का लड़ाई एक फोन पे रोक देते हैं, आप छोटा सा मणिपुर राज्य का लड़ाई क्यों नहीं रोकवा पा रहे? क्या आप में ताकत नहीं है? नहीं है तो आप अपना सत्ता छोड़ दीजिए। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कठपुलवा के समीप तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। घटना में बाइक पर सवार एक महिला, उसका पति और बच्चा जख्मी हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के दौरान डॉक्टर ने गंभीर रूप से घायल बाइक चालक मोहम्मद साहिद को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना में घायल मोहम्मद साहिद तबस्सुम खातून और बच्ची तन्नू जमुई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है।